brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. धार में बीजेपी उम्मीदवार सावित्री ठाकुर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाया है कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने। राधेश्याम मुवेल की माने तो अपने कार्यकाल में सावित्री ठाकुर ने निजी जमीन पर सांसद निधि से बंगला बनवाया। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की गई, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। अब मुवेल इसको लेकर कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर जी इतनी गैर जिम्मेदाराना है कि उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में 14,89,000 की राशि ग्राम पंचायत भगवानिया विकासखंड धर्मपुरी में मांगलिक भवन कर भवन के लिए स्वीकृत की और स्वीकृत कर वह उक्त राशि अपने निजी जमीन पर एक बंगला बनाकर उसको यह दर्शा दिया गया है कि ये मेरा बंगला है। उक्त बात से ज्ञात होता है कि इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। मैंने कल धार निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ये पत्र दाखिल किया और ये इसकी मैंने शिकायत की। खैर कोई बात नहीं, निर्वाचन अधिकारी जी ने उक्त पत्र निरस्त कर दिया, लेकिन जो भ्रष्टाचार किया है वो मैं लोकसभा क्षेत्र के समस्त गांव में इसको लेके जाऊंगा और इस मुद्दे को मैं गांव-गांव तक पहुंचाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सावित्री ठाकुर की माने तो कांग्रेस प्रत्याशी अपनी हार के डर से बौखला गए हैं और वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। देखो, उनको कांग्रेस बौखला गई है, उनको लग रहा हमारी पूरी तरह हार है, तब कोई भी आरोप लगाएगी वो सारे आरोप को साबित तो करे। जब मानूं मैं ऐसे कोई भी लगा देंगे मेरे ऊपर आरोप, मैं थोड़ी मानूंगी। वो बौखलाहट में बोल रहे हैं, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है। वो अपना प्रचार करे, मैं अपने प्रचार में लगी हूँ, वो भी अपना काम करे। वो नहीं, वो एक दूसरे पे आरोप लगा के छवि को खराब करना चाहते हैं। आपका नाम? सावित्री ठाकुर, धार मूल। धार में चुनाव चौथे चरण में होने वाला है। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। फिलहाल कांग्रेस ने राधेश्याम मुवेल पर अपना दांव लगाया है। धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट, एमपी तक।